हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 10th क्लास का मैथ शुरुआत करने जा रहे हैं, तो ये आज का पहला वीडियो है मैथ में। तो चलिए, पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्याएं हैं, तो इस वीडियो में हम संख्याओं के बारे में पूरा डिटेल में अच्छे से हम पढ़ेंगे कि ये सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या है ना, पूर्णांक, इंटीजर, फ्रैक्शन, भिन्न, ये सब परिमेय, अपरिमेय और साथ ही साथ वास्तविक, काल्पनिक, सम्मिश्र संख्याएं, इन सारी संख्याओं के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और ऐसे समझने के बाद ये जो है आपको कभी भी नहीं भूलेगा, इसको अच्छे से आज हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं यहाँ नीचे से, यानी सम संख्या। सम संख्याएं कौन होती हैं? वे संख्याएं जो दो से कट जाती हैं, ठीक है, वे संख्याएं जो दो से कट जाती हैं। क्या होता है? दो से कट जाती हैं, पहली बात तो दो से कट जाती हैं, या कह लीजिए दो से विभाजित हो जाती हैं, ऐसे कहिए, ये ज्यादा ठीक है। वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं वो क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं, दो से विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि ये दो के पहाड़े में आती हैं। दो का जब पहाड़ा हम पढ़ेंगे, दो दूना चार, आठ, ऐसे दो के पहाड़े में आती हैं, ठीक है। और इसको पहचानते कैसे हैं? इसमें इकाई का अंक जीरो, दो, चार, छः, आठ होता है। क्या होता है? इकाई जीरो, दो, चार, छः, आठ में से यदि है तो वो क्या होगी? दो से कट जाएगी, और जब दो से कट जाएगी तो वो होगी सम संख्या, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, विषम संख्याएं, ठीक है। विषम संख्याएं कौन होती हैं? वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं। क्या लिखेंगे? दो से विभाजित नहीं होंगी, ठीक, दो से विभाजित नहीं होंगी और दो के पहाड़े में भी नहीं आएंगे, दो के पहाड़े में नहीं आएंगी, ठीक है, दो से नहीं कटेंगे, सीधी बात, ठीक। अब विषम संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं होंगी? चलिए तो ये दो के पहाड़े में नहीं आती हैं। अब हम लिखेंगे इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो सम संख्याएं जो दो से कट जाएंगी वो कौन सी होंगी? दो, चार, छः, आठ, दस, ठीक है। तो जैसे कहा जाए कि सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या दो है, ठीक, ऐसे क्रमशः ये हो जाएगा। और विषम संख्याओं में कौन आएगा आपका? एक, तीन, पाँच, सात, नौ, ये सभी क्या हैं? विषम संख्याएं हो गई आपकी, ठीक। चलिए अब देखते हैं भाज्य, अभाज्य और सहभाज्य। देखिए भाज्य संख्या कौन होती है? वे संख्याएं जिनके दो गुणक हों। क्या हों? दो गुणक हों, मतलब दो संख्याओं से कटे। क्या होते हैं? जिनके दो गुणक होते हैं, ठीक, या कह लीजिए कि दो संख्याओं से कटेंगी, दो संख्या से कटती है। और वो संख्या कौन होती है? दो संख्या एक एक व स्वयं से कटती है, ऐसे कह लीजिए, एक व स्वयं से कटती हैं। इसको लिखते हैं, इससे किससे कटेगी? एक और, एक और स्वयं से कटेगी, ठीक, एक और स्वयं से कटेंगी। ये क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। अच्छा, अभी चलिए अभी एग्जाम्पल लेके हम जो है पहले इसको जो है बता देते हैं, परिभाषित कर देते हैं भाज्य और अभाज्य, फिर जो है दोनों का एग्जाम्पल आसानी से लेकर के हम आपको बता देंगे, ठीक। चलिए तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? इनमें जो है ये भाज्य संख्या होती है दो से अधिक गुणक होते हैं। भाज्य संख्याओं में क्या होता है? दो से अधिक गुणक जो होते हैं, चलिए फिर से लिख दे रहे हैं, भाज्य संख्याओं में क्या होता है? दो से अधिक गुणज होते हैं, दो से अधिक
गुणक होते हैं। ठीक है, दो से दो संख्या से अधिक संख्याओं से कटती है, एक और स्वयं के अतिरिक्त भी किसी से कट जाती है, एक व स्वयं के अतिरिक्त और भी किसी से कटेगी, अन्य से भी कटती है। ऐसे यदि हम पढ़ लेते हैं हर तरीके से तो ये जो भूलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रह जाती है, अन्य से भी कटती है। अभी जब एग्जाम्पल लेके हम बता देंगे तो फिर आपका भी नहीं बोलेंगे। चलिए अब देखते हैं हम अभाज्य संख्या। देखिए अभी लिखा था ना दो से अधिक गुणज होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि दो से कम गुणज होते हैं, क्या दो से या दो संख्याओं से कटते हैं दो गुणज होते हैं, इसमें कितने गुणज होते हैं दो गुणक होते हैं, दो फैक्टर होते हैं, दो गुणक होते हैं। ठीक, और क्या दो संख्याओं से केवल कटती है, दो संख्या से, और वो संख्या कौन है दो संख्या से कटती है। ठीक, और वो संख्या कौन है एक व स्वयं से कटती है, एक व स्वयं से कटती है। ठीक, चलिए अब भाई एग्जाम्पल लेके अब हम बताते हैं आपको क्रम से। चलिए बताइए खुद से, देखिए एक लिख दे रहे हैं, दो तीन चार, चलिए तो एक किससे कटेगी एक से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी, दो किससे कटेगी एक से कटेगी साथ में दो से भी कट जाएगी, तीन किससे कटेगी एक से और साथ में तीन से भी कट जाएगी, चार किससे कटेगी एक से दो से और साथ में चार से भी कटेगी। ठीक है, तो अब देखिए भैया जो दो संख्याओं से कट रही है वो क्या है भाज्य, है ना, तो सबसे छोटी भाज्य दो से अधिक संख्याओं से कट रही है तो वो कौन सी संख्या आई चार, चार देखिए एक दो और चार से कट रही, मतलब ये तीन संख्याओं से कट रही है, तो भाज्य संख्या के अंतर्गत कौन आएगा, कौन सी संख्या भाज्य संख्या होगी जी, ये चार। ठीक, चलिए और अभाज्य में दो, देखिए एक अभाज्य संख्या, इसको अभाज्य के अंतर्गत नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि इसके दो गुणक होने चाहिए और दो संख्याओं से कटनी चाहिए एक और स्वयं, तो एक और स्वयं तो मान लो है तो दो संख्याओं से कटनी चाहिए ना, ये केवल एक से कट रही है, इसके केवल एक गुणक है तो ये अभाज्य भी नहीं है, तो अभाज्य संख्या कौन सी है दो, फिर इसके बाद तीन, फिर अच्छा और लिखे ही नहीं है चार यहाँ आ गया, तो चलिए और लिख लेते हैं हम कुछ संख्याओं को चार के बाद, चलिए पाँच यहाँ लिखते हैं हम, पाँच छः सात। ठीक है, तो पाँच को बताइए भाई किससे कटेगा एक से और पाँच से, छः किससे कटेगा एक दो तीन छः से कटेगा, तो इसके चार गुणज हो गए, तो इससे अधिक हो सकते हैं कम नहीं होंगे। ठीक है, तो एक सात, ठीक है दो संख्याओं से ज़्यादा से कौन कट रहा है छः, तो ये जो है छः आपका इसका क्या हो जाएगा ये भाज्य संख्या होगी, छः क्या है भाज्य संख्या, और पाँच अभाज्य संख्या, पाँच क्या है अभाज्य, पाँच के बाद सात ये भी क्या है इसके दो गुणक हैं तो ये सात अभाज्य संख्या, तो भाज्य अभाज्य सम और विषम तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए समझते हैं सह अभाज्य संख्या, देखिए सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं, देखिए सह सह मतलब एक साथ, तो इसमें जोड़ा बनाया जाएगा जोड़ा, चलिए हम तीन चार वैसे अल्टरनेट करके कुछ भी लिख दे रहे हैं, ठीक है तो ये चलिए इसमें बताना कौन सी सह अभाज्य है कौन सी नहीं है, सह अभाज्य मतलब ये अभाज्य होनी चाहिए किसी से नहीं कटनी चाहिए, दोनों संख्याएं यदि किसी एक संख्या से कट जा रही, ध्यान समझिए किसी एक संख्या से अगर कट जा रही दोनों तो वो क्या है सह अभाज्य नहीं है, एक साथ एक के अतिरिक्त और किसी से नहीं कटनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या क्या होती है एक साथ, चलिए उसको भी लिख देते हैं जैसे सब में हमने लिखा डेफिनेशन टाइप का, तो ऐसे इसमें लिख देते हैं क्या वे दो संख्याएं, वे दो
संख्या दो संख्याएं जो जो एक साथ ऐसे कहिए जो एक साथ एक के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त किसी से भी ना कटें, क्या किसी से ना कटें, वो क्या होती हैं सह अभाज्य संख्या होती है। ये अच्छे से समझिए, आगे परिमेय और अपरिमेय जब सिद्ध करना होगा तो वहाँ ये बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसको अच्छे से समझे रहेंगे तभी लगा पाएंगे। देखिए ये दोनों देखिए समझिए, दो और सात है। अब ये बताइए दो और सात ये किससे कटेगी भाई, ये तो किसी से नहीं कटने वाली है, ये किसी से नहीं कटेंगी, तो ये तो आपकी सह अभाज्य संख्या हो गई। ठीक, जो सह अभाज्य संख्या उसको ब्लू से हम दिखा देने, ये सह अभाज्य संख्या है। अब ये देखिए भाई ये जो है आपकी सह अभाज्य है कि नहीं, देखिए ये तीन से कटेगी, ये भी तीन से कट जाएगी, ये दोनों तीन से कट जाएंगी, मतलब ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, चलिए अब इसको बताइए भाई, ये देखिए ये जो है भाज्य है, ये भी भाज्य है, दोनों भाज्य संख्याएं हैं लेकिन आपस में सह अभाज्य हैं। क्यों? क्योंकि एक के अतिरिक्त दोनों किसी से भी नहीं कटेंगे, एक साथ दोनों संख्याएं एक के अतिरिक्त और किसी से भी नहीं कटेंगी, इसलिए ये क्या है सह अभाज्य संख्या है। ठीक, चलिए इसको बताइए भाई, ये क्या है एक के अतिरिक्त और किसी से कट रही है, नहीं कट रही है, इसका मतलब ये भी क्या है सह अभाज्य संख्या है। बात समझ में आ गई, ये चारों पांचों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो फिर आगे देखते हैं अब, ठीक है बाबा, तो चलिए थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं। इवेन नंबर यानी सम संख्या, इवेन नंबर क्या होती है जो दो से डिवाइड हो जाए, ठीक है, और यूनिट कितनी होनी चाहिए, दो चार छः आठ है, जीरो दो चार छः आठ है, तो वो क्या होगी इवेन नंबर होगी। ऑड नंबर कौन होगा जो दो से डिवाइड नहीं होगा, वो ऑड नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर कौन होता है, वे दो संख्याएं, देखिए दो से अधिक संख्याओं से जो कट जाए, भाज यानी कंपोजिट नंबर, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से भी कट जाए वो क्या होती है भाज्य होती है यानी कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वे संख्याएं जो एक से कटेंगी और स्वयं से कटेंगी, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य आपस में एक के अतिरिक्त किसी और से भी नहीं कटेंगी, वो आपकी हो गई को प्राइम नंबर। ठीक, इतना ये हो गया। अब समझते हैं हम लोग पूर्ण ये प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आपका कौन कौन आता है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और आपकी ये सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए अब प्राकृतिक संख्याएं कौन होती हैं, वे संख्याएं जिनका उपयोग गणना करने में किया जाता है, गिनती करने में किया जाता है, गिनती करने में जिनका उपयोग किया जाता है प्राकृतिक संख्याएं, जैसे एक दो तीन चार ऐसे करते जाइए चाहे जहाँ तक जाइए, तो ये सभी क्या हो गई प्राकृतिक संख्याएं, एक से लेकर के चाहे जहाँ तक बढ़ते जाइए ये सभी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ठीक, चलिए अब पूर्ण संख्या, तो इसमें जो है ये क्या कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या में जीरो और ऐड कर लीजिए तो वो पूर्ण हो जाएगी यानी होल नंबर हो जाएगी। ठीक है, नेचुरल नंबर में जीरो और ऐड करके कर देंगे हम तो वो क्या हो जाएगी होल नंबर हो जाए यानी पूर्ण संख्या हो जाएगी, जीरो एक दो तीन चार पाँच ऐसे करते जाइए जहाँ तक जाना है। ठीक है, ये सभी क्या हो गई पूर्ण संख्याएं हो गई। अब देखिए समझिए यहाँ एक बात और, हम इन सब में हम एक बात और समझेंगे, क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या मतलब क्रम से आने वाली संख्या। तो क्रमागत प्राकृतिक संख्या यदि देखा जाए तो एक की क्रमागत प्राकृतिक संख्या कौन है दो, दो की क्रमागत प्राकृतिक संख्या तीन, और तीन की क्रमागत प्राकृतिक संख्या चार। तो प्राकृतिक संख्या क्रमागत प्राप्त करने के लिए कैसे प्राप्त करेंगे, यन प्राकृतिक संख्या है उसमें एक और ऐड कर दीजिए तो क्रमागत प्राकृतिक संख्या मिलती जाएगी। यदि प्राकृतिक संख्या कोई यक्ष है तो इसकी क्रमागत प्राकृतिक संख्या अगली कौन बनेगी, यक्ष प्लस वन बन जाएगी। बात समझ में आई, तो एक जोड़ देंगे जब हम तो वो क्या मिल जाएगा,
क्रमागत प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए सम संख्या, तो क्रमागत सम संख्या यदि निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। यदि दो सम संख्या है तो दो के बाद अगली क्रमागत सम संख्या कौन होगी, चार। चार की क्रमागत सम संख्या यानी इवेन नंबर छः, और सिक्स की इवेन नंबर ये अगला वाला जो है वो कितना बनेगा, आठ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रमागत संख्या कैसे प्राप्त होगी, दो जोड़ने पर, ना दो जोड़ने पर। अच्छा, ये सम संख्या कैसे मिली है, इस प्राकृतिक संख्या में सम और विषम सभी है ना, जैसे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः ऐसे क्रम से करके हैं इसमें, तो ये सम और विषम सब हैं। तो इसमें यदि दो से गुणा कर दें हम, देखिए कोई नंबर है नेचुरल नंबर यन है, क्या है, यन। ठीक, यन में यदि हम दो से गुणा कर दें, क्या कर दें, दो से गुणा कर दें, तो क्या बन जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। किसी में भी कर लीजिए, देखिए दो से गुणा करेंगे तो भाई दो से कट जाएगी, ऐसे ही समझ लीजिए। दो से यदि गुणा है तो दो से कटेगी भी, और दो से कटेगी तो बन जाएगी इवेन नंबर, वाह वाह। तो ये जो है क्या बन गई, इवेन नंबर क्या बन गया, टू एन। बात समझ में आई, टू एन जो होता है वो क्या है, इवेन नंबर, ये जो है इवेन नंबर। अब ऑड नंबर यानी विषम संख्या निकालनी, तो इसके लिए क्या करेंगे, सम संख्या में एक जोड़ देंगे। तो सम संख्या कैसे मिली, दो से गुणा करके, अब दो से गुणा करके एक जोड़ दिए भैया, तो ये बन गई आपकी विषम संख्या। ठीक, एक जोड़ के या घटा करके भी कर सकते हैं। ठीक है, क्रमागत विषम संख्या इस प्रकार से प्राप्त होती है। अब चलिए इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पूर्णांक में आते हैं। पूर्णांक यानी इंटीजर, तो इंटीजर में क्या होता है भाई, देखिए प्राकृतिक संख्या में हमने जीरो ऐड कर दिया, पूर्ण संख्या मिल गई। अब इस पूर्ण संख्या में माइनस वाला यानी ऋणात्मक संख्या भी ऐड कर देंगे तो बन जाएगी इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या। ठीक है, क्या, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन करते जाओ। ठीक है, जहां तक ज्ञान आए, तो ये बन गई आपकी पूर्णांक संख्या। ठीक, इंटीजर। अब इंटीजर के बाद भिन्न संख्या, इसमें क्या होगा भाई, जीरो होगा, एक दो तीन चार माइनस एक माइनस दो माइनस तीन, और साथ में ये सभी भिन्न संख्याएं भी होती हैं। भिन्न संख्या मतलब जैसे तीन बटे दो, चार बटे पाँच, सात बटे नौ, ऐसे करते जाइए, ये सभी क्या हैं, भिन्न संख्याएं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतने का एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक, चलिए तो फिर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये नीचे करते हैं इसको, ये आएगा तो अक्षर भी इधर उधर होगा, मिटाना पड़ेगा। पूर्णांक संख्या तक समझ में आ गया ना, इसके बाद अब हमको आगे बढ़ना है, ये सब मिटाना पड़ेगा जी। अब चलिए तो फिर इसको मिटा देते हैं, फिर समझते हैं पूर्णांक के बाद की संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक जो है समझ में आ गया ना, जिसमें धनात्मक ऋणात्मक सभी संख्याएं होंगी। अब देखना है हमको परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या कौन होती है, वे संख्याएं जिनको p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो होती हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं कौन होती हैं, जिनको p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, वे संख्याएं जिनको p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। और साथ में साथ कंडीशन ये है कि q जो है ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और साथ में p व q जो है ये क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये बात अच्छे से याद रखिए भैया, क्या, कि q नॉट इज इक्वल टू जीरो एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर, p और q जो है वो क्या होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो ये आपकी हो जाएगी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन होती है, p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, p और q आपस में सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। सह अभाज्य मतलब एक के अतिरिक्त दोनों और किसी से नहीं कटनी चाहिए, जैसे अभी लिखा था ना चार पाँच बटे चार, तो ये किसी से भी नहीं कटेंगी दोनों, तो ये आपस में सह अभाज्य हो गई। चलिए अब देखते हैं अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या, जो परिमेय नहीं है वो क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। देखिए अभी तक जितना हमने फ्रैक्शन, पूर्णांक ये सब लिखा है तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब परिमेय संख्याओं का जब हम दशमलव प्रसार निकालते हैं, देखिए यहाँ एक बात हम और यहीं से, ये आपके जो है टेंथ क्लास का दूसरा चैप्टर होगा, यहाँ उसमें जो है इस बात का जो है जिक्र करना यहाँ जरूरी हो गया। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए ये बातें आप लोग जानते ही हैं, क्या जानते हैं जी, ये बात देखिए 5/2 है, इसको दशमलव में बदलिए तो भाग देंगे, 2 × 2 = 4 आएगा, 2 × 5 = 10, 2.5 हो गया। ठीक है, अब यही 5 में 3 से भाग दे करके देख लीजिए भाई, तो इसमें भाग देंगे तो कितना बनेगा, 3 × 1 = 3, दशमलव लगाइए, 2 + 3 = 6, 18, 6 इसे आता जाएगा 6, हैं तो ये शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है ये क्या हो गया, शांत हो गया, जिसमें काटने पर पूरा कट गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, काटने पर पूरा कटेगा नहीं, ये जो है वही 6 बार बार आता जाएगा। यदि 6 बार बार आता जा रहा है तो ये क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत है। अब भैया दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, और संख्या 6 बार बार आ रहा है। ठीक है, ये अशांत के साथ आवर्ती भी है, आवर्ती अशांत है। ठीक है, तो यदि आवर्ती नहीं होगा कोई दशमलव प्रसार तो उसको भी जो है क्या मानते हैं हम, अपरिमेय मानते हैं। आवर्ती हो रहा है मतलब एक ही संख्या वही बार बार आ रही है, या दो दो संख्याएं वही बार बार आ रही हैं, तो वो क्या होती है, दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होता है। ठीक है, यदि अशांत है और साथ साथ अनावर्ती है, यानी आवर्ती नहीं है, वही संख्या बार बार नहीं आ रही है, तो भी उसको हम क्या मानते हैं, अपरिमेय संख्या मानते हैं। चलिए अब देखिए अपरिमेय संख्याओं में कौन कौन सी होंगी, √2, √3, √5। ठीक, ये सारी क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं, और साथ में साथ पाई, पाई का मान कितना होता देखिए, 22/7, तो इसमें क्यू 0 के बराबर नहीं है, और साथ में पी व क्यू जो है वो क्या है, सहाभाज्य संख्या भी है, तो इस आधार पर ये तो परिमेय होना चाहिए, लेकिन परिमेय नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जो होता है वो अशांत अनावर्ती होता है, आवर्ती नहीं होता है। ठीक है, दशमलव में इसका एग्जैक्ट मान नहीं प्राप्त है, वो बढ़ता ही रहता है। ठीक है, चलिए अपरिमेय संख्याएं अभी हो गई। अब अपरिमेय संख्याओं के बाद हम समझेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन सी हैं, वे संख्याएं जिनके अंतर्गत, देखिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं को मिला करके जो संख्याएं होती हैं वो सारी वास्तविक संख्याएं सभी होती हैं। ठीक है, जिसमें आई का गुणा ना हो, कोई भी संख्या जिसमें आयोटा बोलते हैं, आई मतलब आयोटा, आई का गुणा जिसमें ना हो, आई का मान कितना होता है, -√1। ठीक है, -√1 जिसमें आ गया वो काल्पनिक संख्या होती है, इसके अलावा प्रत्येक संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। अभी तक जितना हमने लिखा था ये सभी क्या हैं, √2 भी यानी √5 भी, ये सभी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसके बाद अंतिम पॉइंट यहाँ पर बचा हुआ है आपका, ये सम्मिश्र संख्या। कौन सी, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी हैं, जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार की संख्याएं जिसके अंतर्गत आती हैं वो होती है सम्मिश्र संख्या। यक्ष को वास्तविक संख्या मान लेते हैं, आई का गुणा वाई में कर देते हैं, तो यक्ष प्लस आई वाई जो है आपका बन जाएगा सम्मिश्र संख्या। तो हाई स्कूल में तो हमको यही वास्तविक संख्या से नीचे ही पढ़ना था, इसको हमने अच्छे से क्रम से समझ लिया है। ठीक है, यहाँ से आपको देखिए इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उनको फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्या आपको परिमेय संख्या अच्छे से समझना है कि q≠0, p व q सहभाज्य संख्या होगी, और इसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। ठीक, और फिर साथ में भिन्न पूर्णांक संख्या हो गई, फिर सम विषम में, इसके अलावा सह अभाज्य संख्या आपको अच्छे से याद रखनी है ना, जो एक साथ एक के अतिरिक्त और किसी से भी
ना कटे वो क्या होती, सहभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी संख्याओं के बारे में हमने क्रम से पढ़ लिया है। अब अगले वीडियो में हम क्रम से चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बात और हम आपको याद दिला दें कि अब क्रम से आपको वीडियो मिलेगा, जैसे पॉलिटेक्निक का सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे दो वीडियो आपको रेगुलर मिलेगा। साथ में सोमवार और मंगलवार को मैथ, ठीक है, हाई स्कूल और इंटर दोनों का सोमवार मंगलवार को मैथ, फिर बुधवार और बृहस्पतिवार को फिजिक्स हो जाएगा, भौतिक विज्ञान हाई स्कूल और इंटर दोनों का, और फिर सोमवार मंगलवार, फिर बुध बृहस्पति हो गया, फिर शुक्रवार और शनिवार को ये आपका केमिस्ट्री का मिल जाएगा हाई स्कूल और इंटर का, और संडे को इंग्लिश। ठीक है, तो इतना पूरा जो है स्ट्रेटजी इस प्रकार से क्रम से इस चैनल पर आप लोगों को मिलेगा। तो यदि आप लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको अच्छे से क्रम से जैसे ही वीडियो पड़े तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।